वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोग देख रहे हो मोटरबुल का एक और वीडियो। तो भाई अभी आप लोगों ने देखा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग गाड़ी को ड्राइव करना सीख रहे थे और बेसिकली उन भाइयों के लिए वीडियो बना रहे थे जिन भाइयों को गाड़ी चलानी नहीं आती या जिन्होंने कभी बाइक भी नहीं चलाई अपनी लाइफ में और नई गाड़ी प्लान कर रहे हैं या नई कार लेकर के आए हैं और ड्राइव करने के सारे तरीकों से अनजान हैं। उनको नहीं पता कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है या उनको ड्राइवेबिलिटी का नहीं पता कि किस तरीके से हम लोग गाड़ी चलाना स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज की जो वीडियो है ये आप लोगों की ड्राइविंग से ही रिलेटेड है। कल तक की वीडियो में आप लोगों ने क्या देखा कि हम कैसे ड्राइव करते हुए गियर्स को अपग्रेड करते हैं अपनी गाड़ी में। जब भी हम गियर लगाते हैं तो अब शिफ्ट हम कैसे करते हैं, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा एंड तीसरे से चौथा गियर हम कैसे लगाते हैं, ये सब चीज़ें आपने कल तक की वीडियो में देखी। इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ। अगर आप लोगों को वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग उसे सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे आप क्लिक करके उस वाली वीडियो को देख सकते हो। आज की जो वीडियो रहने वाली है थर्ड पार्ट वीडियो का है और आज हम ड्राइविंग की बात के साथ साथ बात करेंगे गाड़ी में जब आप शुरू स्टार्ट करते हो अपनी ड्राइविंग को तो आप सबसे पहले किन बातों का ध्यान देते हो, कैसे अपनी एक तरीके से गाड़ी में दी गई सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ उनको कैसे आप फिक्स करते हो, क्या बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये सब चीज़ें डिटेल्स में इस वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले भाई आते हैं ड्राइविंग सीट की तरफ और वहाँ पे देखते हैं किस तरीके से आप ड्राइविंग सीट पे क्या चीज़ें करने वाले हो भाई शुरू में, जब आप बिगनर ड्राइवर होते हो या आप एक ऑलरेडी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर भी हो तो जैसे ही आप मॉर्निंग में या कभी भी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले अपनी कार की क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो भाई आइए गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ चलते हैं और वहाँ से आप लोगों को बताते हैं कि कैसे आप लोगों को क्या करना है। सो जब भी आप अपनी गाड़ी में फर्स्ट टाइम या जब भी आप अपनी गाड़ी चलाने के लिए जाते हो तो आप सबसे पहले जब अपना डोर ओपन करते हो तो भाई सबसे पहले होता है कि आप बैठोगे किस तरीके से या उतरोगे किस तरीके से, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो भाई अगर बैठने के तरीके को मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले भाई अब आपने अपना जो बैक साइड है उसको भाई ड्राइवर सीटिंग पे आप लोगों ने रखना है एंड दोनों पैर आप लोगों के बाहर होने चाहिए एंड उसके बाद आप लोगों ने दोनों पैरों को भाई इस तरीके से अपनी गाड़ी के अंदर ले करके जाना है और यही तरीका आप लोगों का उतरने वाला भी रहेगा। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अपने दोनों पैरों को भाई स्टेयरिंग से यूँ आपने हाथ से स्टेयरिंग पकड़ के दोनों पैरों को आपने इस तरीके से बाहर लेकर के आना है और फिर आपने गाड़ी से भाई बाहर उतरना है। कुछ भाई क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एक पैर अंदर रखते हैं और उसके बाद भाई गाड़ी में बैठते हैं, ये गलत तरीका होता है ऑलवेज। और कुछ भाई उतरते हुए भी क्या करते हैं कि अपना एक पैर भाई बाहर निकालते हैं और उसके बाद उतरते हैं, कहीं ना कहीं ये भी आपको प्रॉब्लम करेगा भाई और दिक्कत होने वाली है आप लोगों को, ठीक है। तो उसका तरीका भाई यही होता है कि आप लोग दोनों पैरों को ऐसे नीचे रखो और उसके बाद भाई अपनी गाड़ी से आप बाहर उतरो, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा और आप लोगों के काम आने वाला तरीका है और इससे आप लोगों को ईजी कहीं ना कहीं आप लोगों को बैठते और उतरते वक्त फील होगा। भाई नेक्स्ट बात करते हैं, जब आप अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हो प्रॉपर तो भाई अब आप लोगों ने क्या चीज़ ध्यान रखनी है वो है भाई आप लोगों की सीट, आप लोगों ने अपनी सिटिंग को एडजस्ट करना है अपनी ड्राइविंग के हिसाब से। वो कैसे रहने वाला है, वो भाई रहने वाला आप लोगों का, पहले आप लोगों की जो मैट अगर खिसकती है, जैसे कि भाई मेरी बहुत ज़्यादा खिसकती है, नेक्सा वालों ने ये भी भाई एक दुख पाल रखा है तो खैर माइंड मत कीजिएगा। तो भाई ये है कि अगर मैं यहाँ पे अपना स्टेयरिंग व्हील को सेट करता हूँ, अपनी सिटिंग पोजीशन को सेट करता हूँ तो कैसे सेट करूँगा, तो भाई यहाँ कहीं ना कहीं मैं देखूँगा कि जो भाई ये अपना एक्सीलेटर ब्रेक एंड क्लच मेरे हैं ये किस डिस्टेंस पे मेरे पैरों से हैं। तो भाई क्या होना चाहिए कि मेरे पैरों की जो पोजीशन होनी चाहिए एक तरीके से, जो मेरे लैग्स होने चाहिए, यहाँ से जो मेरे नी है भाई ये कैसे होने चाहिए, ये मुड़े हुए होने चाहिए भाई और प्रॉपर एक्सेलेट भी पूरा मेरा अपने पैर से ट्रैवल होना चाहिए एंड ब्रेक पूरा लग जाना चाहिए एंड आप लोगों का क्लच का डीप प्रेस हो जाना चाहिए और मेरे पैर कहीं ना कहीं फिर भी जगह मेरे पैरों में होनी चाहिए बैंड के लिए, ठीक है भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं भाई अपने स्टेयरिंग व्हील की, तो स्टेयरिंग व्हील की पोजीशन बिल्कुल भी सही नहीं है इस वक्त भाई, ये किसी और ने ड्राइव करी है तो ये उसके हिसाब से भाई पोजीशन हो रखा है। तो आप लोग क्या करोगे, अपने स्टेयरिंग व्हील को इस तरीके से सेट करोगे ताकि ये ड्राइव करते हुए आपके जो एक तरीके से होता है ना पैरों पे ना टकराए भाई, ठीक है। तो आप लोग इसे ऐसे सेट करोगे ताकि थोड़ी सी डिस्टेंस भाई बनी रहे, ठीक है। अब आप इस पोजीशन में आ गए हो ड्राइविंग करने के लिए। अब बात करते हैं कुछ गाड़ियों में सीट के लिए भाई हाइट एडजस्ट करने का भी ऑप्शन होता है, कुछ में नहीं होता, वहां पे आप गद्दी का यूज कर सकते हो, लेकिन जहां पे होता है भाई वहां पे आप लोग इसे हाइट को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि भाई मैं यहां पे लीवर को ऊपर कर रहा हूं, मुझे थोड़ी सी हाइट की जरूरत पड़ रही है तो भाई मैंने लीवर ऊपर कर दिया और मेरी हाइट कहीं ना कहीं भाई बढ़ रही है, आपको दिखाई भी दे रही होगी, तो भाई मैंने हाइट बढ़ा दी अपनी गाड़ी की। अब जो मेरे हाथ हैं
वो भाई प्रॉपर स्टेयरिंग व्हील पे मेरे हो चुके हैं और मेरे को बहुत अच्छा सा फील हो रहा है स्टेयरिंग व्हील पकड़ते हुए भाई। मेरे को प्रॉपर एक तरीके से विजिबिलिटी मिल रही है और स्टेयरिंग व्हील भी जो एक तरीके से रीच है भाई मेरी स्टेयरिंग व्हील की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब बात करते हैं स्टेयरिंग व्हील पकड़ने का भाई तरीका। तो स्टेयरिंग व्हील जब भी आप पकड़ते हो तो भाई आपके जो हाथ होते हैं एक तरीके से वो बैंड होने चाहिए भाई, आधा बैंड होने चाहिए। अगर आप प्रॉपर सीधे हाथों से स्टेयरिंग व्हील पकड़ते हो तो कहीं ना कहीं टर्न करते हुए आप लोगों के हाथ से स्टेयरिंग व्हील छूट सकता है, फिसल सकता है, ठीक है भाई। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब आते हैं गाड़ी के अंदर से आप लोगों को बताते हैं। तो भाई जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है कि हमें क्या चीज़ें अपनी गाड़ी में देखनी है वो रहता है भाई अपना ORBM एंड अपना IRBM, ठीक है। ORBM एंड IRBM का आपकी ड्राइविंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है भाई, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक तरीके से मैं बोलूँगा। अगर आपके ORBM एंड आपके IRBM भाई एक तरीके से सेट नहीं है तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ड्राइव करते हुए दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें क्या आती हैं कि या तो आप एक्सीडेंट करा बैठोगे भाई कहीं पे, या फिर आप साइड से अपनी गाड़ी लगवा बैठोगे कहीं पे, ठीक है, या आप किसी और को ठोक बैठोगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसे सेट करो, ठीक है। अब क्या होता है आजकल की गाड़ियों में भाई, मैक्सिमम कार्स में इलेक्ट्रॉनिक क्ली ही आपके ORBM यहाँ से इस तरीके से आपको स्विच प्रोवाइड करती है कंपनी, और यहाँ पे भाई आप लोगों के सेट करने की भाई जगह दी हुई है। ये भाई मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, अभी गाड़ी ऑन नहीं है तो ये नहीं होता है। अगर भाई मैं कार ऑन कर देता हूँ तो यहाँ से भाई आप लोग अपने कुछ इस तरीके से सेट कर सकते हो भाई अपने ORBM, ठीक है भाई, आपको दिख भी रहा होगा ये है भाई। तो इसकी पोजिशनिंग आपके ड्राइविंग, यहाँ पे भाई मैं ड्राइवर साइड बैठा हुआ हूँ तो मेरी पोजिशनिंग कैसी होनी चाहिए भाई ORBM की, मेरा जो बैक फेंडर है वो भाई दिख जाना चाहिए, वो विजिबल होना चाहिए भाई मेरी गाड़ी का, ठीक है, ऐसे भाई, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। और बैक की जो रीच है, जो दूर से गाड़ियाँ आने वाली हैं वो भी भाई मेरे को दिख जानी चाहिए अच्छे से। अब बात करते हैं नेक्स्ट साइड की। तो यहाँ पे भी भाई मेरा जो एक तरीके से ORBM है वो कुछ इस तरीके से सेट है, जो भाई मेरे को साफ विजिबल हो रहा है कि मेरी गाड़ी का जो बैक है वो कहाँ पे, टायर कहाँ चल रहा है, बैक से मेरे को हैंडल भी दिख रहा है अपनी गाड़ी का, प्रॉपर दिख रहा है भाई, आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, प्रॉपर मैं विजिबल कर पा रहा हूँ कि क्या चीज़ है, ठीक है भाई। तो ये हो गया अपने ORBM सेट करने के। और मैक्सिमम कार्स में ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है भाई अपना ORBM सेट, किसी गाड़ी में मैनुअल भी होता तो आप लोग मैनुअल भी अपने तरीके से यहां से भाई सेट कर सकते हो इसे। बात करते हैं अब IRBM की। तो भाई IRBM की जो पोजीशनिंग और जो सेटिंग होनी चाहिए भाई आप लोगों की वो होनी चाहिए भाई, जो बैक विंडशील्ड आपकी होती है वो आपको प्रॉपर दिख जानी चाहिए। जैसे कि अभी मेरे को बैक से जो अपनी विंडशील्ड है वो प्रॉपर दिखाई दे रही है भाई इसकी सेटिंग। बैक से जो गाड़ियां आती हैं या मैं कभी कार बैक करता हूं तो वहां पे अपने ORBM और अपना IRBM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे को गाड़ी बैक करने के लिए, गाड़ी को टर्न करने के लिए, कार को यू टर्न लेने के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। अब ये सब काम करने के बाद आप लोग क्या करोगे, एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आप लोग देखोगे भाई, अपने स्टेयरिंग व्हील पे आप लोगों की हैंड पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए वो भी आप लोग देखोगे। तो उसे देखने के लिए भाई सबसे पहले मैं बताता हूँ, जैसे आप अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठ जाते हो उसके बाद भाई आप क्या करते हो, आप लोग बैठ गए, सेट हो गए भाई आप लोग, अब आपकी गाड़ी होगी भाई स्टार्ट। अब आपकी जो हाथ रहते हैं वो आप लोगों के एक तरीके से 9:3, जब आप लोगों की घड़ी में 9:3 वाली जो पोजीशन होती है एक तरीके से वो आप लोगों की पोजीशनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का 9 बजता है और यहाँ पे आप लोगों का 3 बजता है, ठीक है भाई। तो ये पोजीशनिंग आप लोगों की होनी चाहिए अपने स्टेयरिंग व्हील को पकड़ने की, ये भाई ये बहुत सही पोजीशन है स्टेयरिंग व्हील को पकड़ने की ड्राइविंग करते हुए। इससे होगा क्या, जब आप टर्न करोगे तो कहीं ना कहीं भाई आप लोग जब टर्न करोगे तो आप लोगों को क्या करना है कि आपको जो, अगर आपने राइट में टर्न करनी है अपनी गाड़ी तो आपने क्या करना है, पुश करना है अपने लेफ्ट हैंड से एंड पुल करना भाई अपने राइट हैंड से, इस तरीके से भाई ये आप लोगों की जो है गाड़ी को चलाने का तरीका रहेगा, ठीक है भाई। अगर आपको लेफ्ट को गाड़ी को टर्न करना है तो आप लोग अपने लेफ्ट हैंड से भाई क्या करोगे, पुल करोगे, और आप अपने जो एक तरीके से राइट हैंड है उससे पुश करोगे भाई स्टेयरिंग व्हील को, ये आप लोगों का तरीका रहने वाला है। ये बिल्कुल जेन्युइन और बहुत अच्छा तरीका है ड्राइविंग करने का। अगर आप पूछोगे कि भाई क्यों आप ऐसा बता रहे हो, स्टेयरिंग हम यहां से भी पकड़ सकते हैं या ऐसे भी पकड़ते हैं, कुछ भाई ऐसे भी पकड़ते हैं स्टेयरिंग व्हील, तो भाई कहीं ना कहीं उसके डिसएडवांटेज आपको झेलने पड़ेंगे, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे क्या होता है जितनी भी कारें भाई आप लोगों की आती हैं उनमें कहीं ना कहीं यहां पे आप लोगों का हैंडल पे एक तरीके से एयरबैग होता है जो आप लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। और भाई जब भी आप किसी चीज से हिट करते हो अपनी गाड़ी को, कभी आप एक्सीडेंटली आप लोग कभी हिट हो जाते हो, उसमें क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो एयरबैग होता है वो एक तरीके से खुल जाता है, ठीक है। अब वहां पे आप लोगों का एयरबैग इस वर्क के लिए होता है कि आप सेफ लैंडिंग कर सकें एयरबैग के ऊपर, ठीक है भाई।
तो होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि सेफ लैंडिंग नहीं कर पाते हो और कहीं ना कहीं आप अपने हाथों को नुकसान करवा बैठते हो, या फिर आप जो एयरबैग सेफ्टी के लिए दिया था वो आपका कुछ और नुकसान कर बैठता है। ठीक है भाई, आप लोगों का एयरबैग तरीके से नहीं खुल पाता है और तरीके से वर्किंग नहीं रह पाता है और कहीं ना कहीं और ज्यादा आप लोगों को नुकसान हो जाता है। तो आपने अपने हाथों की पोजिशनिंग इस तरीके से रखनी है। अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अगर आपने राइट को स्टेयरिंग को एक तरीके से काटना है या आपने टर्न करना राइट की तरफ, तो आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों का लेफ्ट हैंड है उससे आप लोगों को पुश करना है एंड आपने राइट हैंड से पुल करना है। ठीक है भाई, इस तरीके से आप लोग स्टेयरिंग अपना घुमाओगे। ठीक है, अगर आपको लेफ्ट को टर्न करनी है अपनी कार, तो आप लोग क्या करोगे, अपने लेफ्ट हैंड से एक तरीके से पुल करोगे और अपने राइट हैंड से आप लोग इस तरीके से भाई पुश करोगे अपना स्टेयरिंग व्हील। आप लोगों के हाथ कभी भी भाई स्टेयरिंग व्हील के मिड में नहीं आने चाहिए। ऐसे हॉर्न के लिए भाई आप यहां से ऐसे की पोजीशनिंग कर सकते हो, ऐसे आप हॉर्न मार सकते हो, अदरवाइज आप लोगों ने किसी भी तरीके का कोई भी भाई गलत काम गाड़ी में नहीं करना है। एक और चीज जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं वो रहने वाली भाई मेरी सीट बेल्ट। जब भी आप गाड़ी ड्राइव करने से पहले आप गाड़ी में बैठ जाते हो तो भाई सीट बेल्ट लगाना ना भूलें। भाई आप लोग अच्छे ड्राइवर हो, प्रो ड्राइवर हो, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हो, तो भाई सीट बेल्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिगनर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो कहीं ना कहीं भाई एक तरीके से जो ट्रेन ड्राइवर हैं, जो बहुत सालों से गाड़ी चला रहे हैं, उनको भी भाई बताएं कि सीट बेल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर में कोई गाड़ी ड्राइव करता है तो उसे भी भाई आप लोग ये नॉलेज दें कि गाड़ी में आप लोग कहीं ना कहीं सीट बेल्ट यूज करें। कुछ भाई आजकल क्या करते हैं, भाई मार्केट में जाते हैं और सीट बेल्ट रिमाइंडिंग आती है आजकल की गाड़ियों में, जैसे आप सीट बेल्ट नहीं पहनते तो 20 क्रॉस करते ही आप लोगों की जैसे स्पीड जाती है, तो भाई उसके बाद आप लोगों की सीट बेल्ट के एक तरीके से रिमाइंडिंग साउंड आने लग जाती है कि आपने सीट बेल्ट नहीं पहनी है। तो भाई उस केस में क्या होने वाला होता है कि आप लोग क्या करते हो, उससे इरिटेट हो जाते हो और सीट बेल्ट पहनने की क्योंकि आपको आदत नहीं होती तो आप मार्केट में जाते हो और इस तरीके का हुक जो सीट बेल्ट पे लगा होता है, इस तरीके का हुक भाई आप परचेज करके आते हो मार्केट से और यहां पे फंसा देते हो और गाड़ी को बनाते हो भाई आप लोग बेवकूफ। लेकिन भाई गाड़ी बेवकूफ नहीं बनती है, जिस दिन भाई आप लोगों को ये कार बेवकूफ बनाएगी तो भाई उस दिन आप लोगों को ही सब कुछ झेलना पड़ेगा। ये एक अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड सेफ्टी फीचर है आप लोगों के लिए, कभी भी आप लोग एक तरीके से विदाउट सीट बेल्ट अपनी कार को ड्राइव मत करो। को पैसेंजर साइड भी आप लोग जब भी आप लोग अपनी गाड़ी में को ड्राइवर सीट पे आप लोग पैसेंजर बिठाते हो वहां पे भी भाई आप लोग सीट बेल्ट पहनने के लिए जरूर बोलें। पीछे भी गाड़ी में भाई इवन सीट बेल्ट दी हुई रहती है, पीछे भी आप लोगों को सीट बेल्ट सेफ्टी के लिए दे रखी होती है। तो अगर आप लोगों के घर में कोई छोटा बच्चा है या आप लोग कभी जो है एक तरीके से बच्चों को पीछे बिठाते हैं तो उनको सीट बेल्ट जरूर पहनने की एडवाइस दीजिए भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों की रहने वाली है। तो अगर बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की, जो आप लोग गाड़ी ड्राइव करते हुए क्या कुछ करने वाले हो, तो वो रहता है भाई आप लोगों का गियर लीवर और हैंड ब्रेक की। अगर मैं बात करूं, ये दोनों चीजें आप लोगों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। किस तरीके से भाई आप लोगों की इंपॉर्टेंट होती है वो भी मैं बता दूं। जब भी आप अपनी गाड़ी को एक तरीके से पार्क करते हो कहीं पे या आप कभी गाड़ी रोकने के बाद साइड लगा के भाई वहां रोक देते हो गाड़ी को, तो भाई ऑलवेज अपनी कार में सबसे पहले अपना हैंड ब्रेक जरूर इस्तेमाल करो। ये आप लोगों का पार्किंग ब्रेक भी आप लोगों का एक तरीके से आप कह सकते हो और कहीं ना कहीं पार्किंग ब्रेक का यूज आप लोग इससे करते हो और आपकी गाड़ी सेफली भाई पार्क हो जाती है, ना आगे जा पाएगी ना पीछे जा पाएगी। यानी कि अगर स्लोप में आपकी गाड़ी कहीं रहती है तो अगेन आप लोगों को एक बार और बता दूं मैं, आप इस हैंड ब्रेक का यूज ऑलवेज करें। और भाई अपने ड्राइविंग करते हुए दोनों हाथों को स्टीयरिंग व्हील पे रखें। स्टीयरिंग व्हील से आप लोग अपने लेफ्ट हैंड को तभी बाहर निकालें जब आपको हैंड ब्रेक डालने की जरूरत पड़ जाती है या आप लोगों को गियर शिफ्ट करने की जरूरत पड़ जाती है। ये चीज आप लोगों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक नॉलेज है जो आप लोगों ने ड्राइविंग करने से पहले ध्यान रखनी है। सो भाई ये रही आज की वीडियो आप लोगों के लिए, भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैं एक तरीके से कहूंगा कि ड्राइविंग करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों की ये वीडियो रहने वाली है। तो आप वीडियो देखिए भाई और मेरे चैनल मोटरबुल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।